हमारे साथ मौजूद है महिला विधायक जिसके साथ कल दुर्व्यवहार किया गया था बरबरतापुर। मैम, क्या कुछ हुआ था कल, पूरी जानकारी दें दर्शकों को। देखिए, हम लोग पुलिस कानून के विधेयक के खिलाफ विरोध कर रहे थे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिहार की जनता ने अपनी मान सम्मान की रक्षा करने के लिए हमें सदन में भेजा, और ये दुशासन की सरकार जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, ये कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता को एक अच्छा माहौल दिया जाए जिसमें बिहार का विकास हो सके। हम लोग उसी मांग के लिए सदन के सामने बैठे हुए थे। इन्होंने पुलिस फोर्स को भेजा, पुलिस को भेजा, जिसमें जेंट्स भी थे, एसपी डीएम सबको भेजा, और महिलाओं को खींच खींच के बाहर किया, महिलाओं को चीरहरण किया गया, विधायक महिलाओं के साथ अपमान किया गया। ये वही सरकार है जिसके शासन में ना महिलाएं शेल्टर होम में सुरक्षित है, ना महिलाएं सदन में सुरक्षित है। नीतीश कुमार कहते हैं महिला सुरक्षा को लेकर बात होती है, जब सदन में ही महिला सुरक्षित नहीं है, खासकर विधायक जो माननीय है, तो बाहर कैसे सुरक्षित हो? महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है भाई। आप देखिए, बगहा में एक संताल की बेटी जो पुलिस का एग्जाम देने गई थी, पुलिस बहाली के लिए एग्जाम देके लौटती, उसको उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसको जला के मार दिया जाता है। अभी तक दोषी पकड़े गए, उसको फांसी क्यों नहीं देते होगा? महिला जब सदन में अपने मान सम्मान और बिहार की जनता के अधिकार की बात करती तो उसको आप टांग के बाहर फेंक देते हो, उसकी इज्जत का भी ख्याल नहीं करते, उसके कपड़े लत्ते का भी ख्याल नहीं करते, आप उसको इस तरह से अपमानित करते हैं जैसे कोई अपराधी। क्योंकि बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है, और नीतीश कुमार जी इसके लिए माफी मांगे और इस्तीफा दें। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की, जिस तरह से आज आखिरी दिन है विधानसभा सत्र का, आगे क्या करेंगे आप? हम लोग सदन से लेके सड़क तक जनता के मान सम्मान की और उसके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा ना दें। आपको जिसने जिता कर भेजा है उनके दिल पे भी एक गहरा घात लगा, चोट लगा होगा? बिल्कुल। कल देखिए, कल बेरोजगार नौजवान जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, उनपे लाठी डंडे से बरसात की गई, बीजेपी के गुंडों ने पत्थर चलाया, उसमें मीडिया के भाई भी बहुत घायल हुए हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, दुनिया को सच्चाई से वो रूबरू कराता है, आप उसको सच्चाई नहीं दिखाने देते हैं। नेता दुनिया को न्याय दिलाने का काम करता है, अपने राज्य की जनता को न्याय दिलाने की बात करता है, आप उसकी बात को दबा देते हैं। कैसा राज्य है भाई, कैसा लोकतंत्र है, आप क्या चाहते हैं? ये सब नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र के लिए कितना हानिकारक है, क्योंकि पुलिस को पहली बार बिहार विधानसभा में घुसाया गया है। देखिए, ये बहुत ही हानिकारक है, सुरक्षित नहीं है, और ये इंस्पेक्टर राज लागू करना चाहते हैं, हिटलर शाही लागू करना चाहते हैं, जो कि विपक्ष लागू नहीं होने देगा। विपक्ष एकजुट है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, और इनकी सरकार को हम लोग चलने नहीं। सोशल मीडिया पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, फिर आप विपक्षी पार्टी पर रोक लगाने के लिए एक पुलिस को एक अलग से पावर दिया जा रहा है। देखिए, इस बार जो उनको सत्ता का जो चाबी मिलते मिलते बचने वाला था, और चोरी छुपे वो सत्ता में दाखिल लिए है पीछे, मतलब सत्ता का डकैती करके, इसलिए वो बखलाए हुए हैं, और जनता को बंदूक की नोक पर वो डरा धमका करके शासन करना चाहते। आपको भी कल मैम चोट आई थी? हाँ, आई थी। हम महिला विधायक को बचाने के क्रम में मेरे साथ भी हाथापाई पुलिस की थी, और हम भी घायल हुए थे। बरबरतापुर जो व्यवहार किया गया है, क्या कहिएगा नीतीश कुमार जो इस तरह से व्यवहार? नीतीश जी कहते हैं कि महिला के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान वो नहीं। जब सदन में सारी विधायिका लोग को इस तरह से नंगे पंगे करके पुलिस के द्वारा घसीट के ले जाया गया, तो वो हम लोग तो नीतीश कुमार का कड़ी भर्तना। अगर लालू यादव अभी होते तो क्या इस तरह से सदन में जो हुआ वो होता? लालू यादव जी बहुत अच्छे हैं, महिलाओं के लिए बहुत सोचते हैं, कि केवल किताब में दिखाते हैं, महिला के लिए नहीं सोचते, लेकिन लालू यादव जी जैसा नीतीश कुमार कभी हो ही नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। महिला विधायक थी जिन्होंने कहा कि जिस तरह से कल उनको पीटा गया, खींच करके बाहर निकाला गया, उनका चीरहरण किया गया है, महिला विधायक के साथ बर्बरतापूर्ण दुर्व्यवहार किया गया, लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक है जिस तरह से सदन में पुलिस को बुलाया गया, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप देखते रहें भारत लाइव, मैं हूँ आपके साथ विशाल, तो पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।